हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौदा मिनी आर्ट। ये वीडियो में आपको मैं दो ही चीज़ सिखाऊंगी, एक है ड्राइंग और एक है क्राफ्ट। ये जो ड्राइंग और क्राफ्ट ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, उसके साथ साथ एकेडमिकल टीचर होते हैं प्ले स्कूल में, उनके लिए भी है। ये ड्राइंग और क्राफ्ट बनाने के लिए आपको ड्राइंग हैंड का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक वेस्ट पेपर ली हूँ और उसको मैं टू टाइम्स साइड टू साइड फोल्डिंग कर ली, फिर टू टाइम्स कॉर्नर फोल्डिंग भी कर ली। उसके बाद ड्राइंग करके कटिंग कर देंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों के लिए मैं सेम फ्लावर का स्टेंसिल यूज करूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, जिसको हम ड्राइंग करना और कटिंग करना बहुत ईजी है। दो बड़ा वाला है और इसका छोटा वाला भी हम दो काट कर रखेंगे। साथ साथ मैं एक ड्राइंग कॉपी ले रखी हूँ, उसके ऊपर दो ही फ्लावर को रखकर, दो बड़ा वाला फ्लावर को रखे मैं आउटलाइन डाल दे रही हूँ। ये आउटलाइन अगर आप डायरेक्ट स्केच पेन में नहीं कर पाओगे तो आप पहले पेंसिल में कर सकते, उसके बाद आप स्केच पेन में आउटलाइन जैसे बना दोगे। ऐसे दोनों फ्लावर का आउटलाइन होने के बाद आप इसको आपका मर्जी से कलर दे दीजिए। कलर देने के साथ साथ आप उसको बेटर लुक के लिए कुछ स्टोन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं मेरा वीडियो में कर रही हूँ, आप ऐसे देखकर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए बहुत सिंपल है, ताकि इसको जो कोई भी बना सकते। यहाँ पर मैं पेंट ब्रश यूज कर रही हूँ, आप इसको स्केच पेन, क्रेयॉन्स, वाटर कलर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में फेविकल के साथ स्टोन यूज करके आपका आर्ट को आप एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं।
मेरा टू टाइप्स ऑफ राखी ड्राइंग फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, टू टाइप्स ऑफ राखी क्राफ्ट भी हम बनाएंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ कलर पेपर ले रखी हूँ और एक थिक पेपर भी उसके साथ साथ ले रही हूँ। और जो स्टेंसिल हम आर्ट के लिए यूज किए थे, सेम स्टेंसिल हम क्राफ्ट के लिए भी यूज करेंगे। ऐसे ही कलर पेपर के ऊपर रखकर उसका एक स्टेंसिल ड्राइंग बना देंगे। ड्राइंग बनाने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे इसके शेप के हिसाब से। यहाँ पर मैं कलर पेपर ले रही हूँ। अगर आपको फोम शीट मिलेगा तो ये बहुत अच्छा होगा। पर मेरा हर एक कटिंग हो गया और उसके बाद मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। ऐसे ही आप स्टिक कर लेना। एक दूसरे को स्टिक करने के लिए आप डबल गम टेप भी यूज कर सकते ताकि आपका राखी एम्बोज रहेगा। पीछे भी आप थ्रेड यूज कर लीजिए। थ्रेड के ऊपर आप मास्किंग टेप, सेलो टेप, नहीं तो कुछ पेपर भी यूज कर सकते।
यूज करी हूँ ताकि आपका राखी सुंदर दिखे। ऐसे स्टोन लगाकर कंप्लीट करने के बाद आप देखोगे आपका राखी कितना सिंपल और बढ़िया दिख रहा है। इसे आप स्कूल बोर्ड डेकोरेशन, क्राफ्ट बुक डेकोरेशन, कार्ड मेकिंग, नहीं तो फिर आपका बच्चों को से घर में बिजी रखने के लिए भी ये सब बना सकते हैं उनके साथ। होप ये मेरा वीडियो आपका यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साइड में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।